हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल किम एफ एंड डी। सो दोस्तों, आज हम बार की नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। वहां पर एक प्रोजेक्ट एसोसिएट है भाई इंटर्नशिप की, तो इनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम इस चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूंगा। नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामना, ठीक है? तो दोस्तों, ये जो बार्क का ये नोटिफिकेशन है, ये आप देख सकते हैं विजिटिंग बार्क। ये मतलब एक लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन नहीं है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं ईयर की जब भी आप फ्री टाइम हो आपके पास। तो इसके पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। तो एलिजिबल कौन कौन है? जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक वाले बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बट जो फिफ्थ सेमिस्टर पास्ट हो चुके हैं या फिर फिफ्थ सेमिस्टर अपियर हो चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर मतलब सिक्स सेवन्थ एट सेमेस्टर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और एमटेक वाले बच्चे जो अपनी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? या फिर सेकंड सेमेस्टर में है जो, या फिर जो थर्ड सेमेस्टर में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन के ओनली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और मास्टर डिग्री के एमएससी के, ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन में मत रहिए कि जो एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उनका तो बीएससी कंप्लीट है तो अप्लाई कर सकते, ये नहीं कर अप्लाई कर सकते। सिर्फ एमएससी का जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जो कंप्लीटेड स्टूडेंट है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो और एक बात, आप लोगों के पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ से आपके एक परसेंटेज रहेगा, जो परसेंटेज 60% रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बार्क फॉरवर्ड एप्लीकेशन बोनाफाइड मेरिटोरिया 60% और अबव, ठीक है? कोई बैकलॉग्स आपकी नहीं होना चाहिए। आप जब मार्कशीट अपना सर्टिफिकेट दिखाओगे तो आपकी कोई बैकलॉग्स नहीं रहना चाहिए। तो और एक बात, ये जो आपका शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग या फिर लॉन्ग टर्म ही हो सकता है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री के, अगर मैं बात करूँ, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो 2 महीने का रहने वाला है, और जो प्रोजेक्ट वर्क आप सिलेक्शन करोगे तो 3 to 6 महीना आपका रहेगा, ठीक है? तो एप्लीकेशन की जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके यहाँ पर नाम, डिग्री, आप मतलब कब, किस मंथ से किस मंथ तक करना चाहते हो प्रोजेक्ट वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने पहले कहीं भी प्रोजेक्ट किया है और आपकी जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या क्या है वो। अगर एप्लीकेशन करते वक्त आपको कोई दिक्कत आता है तो आप दोस्तों यहाँ पर एक मेल आईडी दिया हुआ है, उस मेल आईडी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, ये सब फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद आपको इस पे एप्लीकेशन को यहाँ पर भेजना होगा, ठीक है? द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट वर्क, एचआरडीडी बार्क, बार्क ट्रेनिंग स्कूल, मुंबई, यहाँ पर आपको भेजना होगा, ठीक है? तो भेजने के बाद आपको सिलेक्शन होगा। देखो, मैं आपको कुछ 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 पीडीएफ दिखा देता हूँ जहाँ पर बार्क में जो जो बच्चे अप्लाई कर चुके हैं उनको प्रॉब्लम क्या हुआ है रिजेक्शन होने का, वो मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये 23rd December 2022 का, मतलब रिसेंटली ये पब्लिश किया है, ठीक है? कौन कौन सिलेक्टेड हुआ है और कौन कौन सिलेक्टेड नहीं हुआ है, ठीक है? वो सिलेक्टेड नहीं होने का रीजन भी यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, नॉट इन्फॉर्मेड इन कॉलेज लेटर हेड, ठीक है? यहाँ पर एक्सेस रिमार्क, मतलब उस एरिया में, जिस एरिया में वो अप्लाई कर चुके हैं बंदा, उसमें ज्यादा स्टूडेंट्स है, ठीक है? तो इसकी वजह से हो सकता है बहुत ज्यादा हो, यहाँ पर नो वैकेंसी है तो इसकी वजह से हो सकता है ये। पर देखो, यहाँ पर अंडर प्रोसेस है, मतलब वो हो सकता है, तो आप जल्दी अप्लाई कीजिए और वहाँ पर करिएगा। तो यहाँ पर आपको मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको कोई एकोमोडेशन वो नहीं दिया जाएगा, और आपको कोई स्टाइफन भी वो लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रीजन बताया है डुप्लीकेट है, मतलब आप 2 times या 3 times एक ही अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं नो मार्कशीट, मार्कशीट आपको सब कुछ अटेस्टेड करना होगा। तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि आप जब भी अप्लाई कर रहे हो अपना जितने भी सारे मार्कशीट्स है वो सब अप्लाई अटैच करके रखना है, ठीक है? यही मैक्सिमम था, ये शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है? ड्यूरेशन आपका मिनिमम 3 months, अगर जितना मैक्सिमम ड्यूरेशन करेंगे वो अच्छा है, ठीक है? 3 या 6 months तक करेंगे तो वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो सेंड टू सीडी में कर चुका है, बट वो DRHR को करना होगा सेंड, ठीक है? इफेक्टिवली लेस देन 1 month, तो इफेक्टिवली अगर लेस देन 1 month आप अप्लाई करोगे तो आपका नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रिजेक्शन करने का वही है, ठीक है?
यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड डेट्स भी देना है, अगर स्पेसिफाइड डेट्स आप नहीं देते हो तो आपका एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पर है जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, टू अर्ली टू प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेस एक्सेस बहुत टू, मतलब आप अप्लाई कीजिए, आपका एकेडमिक रिजल्ट अच्छा है तो आपको वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो मैं कोई एकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा, कोई ट्रैवल असिस्टेंट नहीं दिया जाएगा, आपको वहाँ से खुद से रहना पड़ेगा, ठीक है। और कोई स्टाइपेंड भी प्रोवाइड नहीं कर दिया जाएगा, मतलब आपकी जो लास्ट सेम में होता है ना, लास्ट सेम में आपकी जो इंटर्नशिप आप कर सकते हो, जो आपकी जो कोर्स है, मतलब जो आपकी एमएससी या फिर बीएससी या फिर इंजीनियरिंग के जो कोर्स में एक रहता है कि प्रोजेक्ट वर्क, वो प्रोजेक्ट वर्क आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अपनी डिपार्टमेंट से ना करके आप यहाँ से कर सकते हैं, तो वो आपका एक एज ए कोर्स वर्क भी आपका ऐड हो जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं। ये यहाँ पर भी उन्होंने भी ये मेंशन किया है, ठीक है। तो आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टूडेंट्स हु एप्लीकेंट्स एज रिजेक्टेड एज दोस उन्होंने एक्सेप्टेड फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यहाँ पर इस बात को नोटिस किया, दिस मींस दैट द स्टूडेंट्स हु आर एक्सेप्टेड फॉर वन मंथ ऑफ ट्रेनिंग कैन नॉट बी रिपोर्ट बैक ऑन द एक्सेप्टेड डेट टू और थ्री डेज बिफोर। मतलब आपको एक वीक या फिर 10 दिन से पहले, ठीक है, अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हो जाती है तो आपको वहां पर जाना होगा, ठीक है। तो अगर एप्लीकेशन करते हो, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उन लोगों को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बार की पब्लिकेशन भी देख सकते हैं, क्या क्या पब्लिकेशन हुआ है, मतलब रिसर्च वहाँ पर कौन कौन से एरिया पर हो रहा है, यहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे आके आप देख सकते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल मटेरियल, केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फिजिकल साइंसेस, केमिकल एंड रेडियो केमिकल साइंसेस, मैं केमिस्ट्री का एक दिखा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, यहाँ पर इन केमिकल साइंसेस ये सब दिया है, बायो रेडियो केमिकल साइंसेस, ठीक है, कौन कौन से एरिया में रिसर्च हो रहा है ये यहाँ पर बता देगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं हाई टेम्परेचर केमिस्ट्री ऑफ एमएसबीआर सिस्टम, रिसर्च ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी एंड थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स, हाई प्योरिटी मटेरियल्स, रिएक्टर वाटर केमिस्ट्री। तो अब वहाँ पर जो जो आपकी रिसर्च जो टॉपिक होने वाला है ये इनमें से ही रहेगा, ठीक है। केमिस्ट्री के स्पेशली बता रहा हूँ, ठीक है। जो 14 टॉपिक्स है ये 14 टॉपिक्स में से ही रहेगा। तो अगर इस 14 टॉपिक में से आपका इंटरेस्ट है या फिर रेडियो फिजिकल जो केमिस्ट्री है, ठीक है, उनमें रेडियो केमिकल केमिस्ट्री में जो ये सब जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनमें अगर आप इंटरेस्ट है तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी सीवी पे एक बहुत ही अच्छा इम्पेक्ट भी पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।